खबर रुद्रपुर से है, जहां उद्धम सिंह नगर के नए कप्तान मणिकांत मिश्रा ने आते ही जनपद की पुलिस को एक्टिव कर दिया है। साथ ही उन्होंने काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एसएसपी ने कायावद शुरू कर दी है। आज एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने यातायात निरीक्षक नरेंद्र कुमार आर्य को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि यातायात व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही एसएसपी के निर्देश पर जिले की पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया, जिसमें 4000 से ज्यादा किराएदारों का सत्यापन किया गया। वहीं एसएसपी के आदेश पर पुलिस ने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई की, जिसमें 32 वाहन सीज किए गए। जिला पुलिस ने 20 वारंटियों को भी गिरफ्तार किया। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। मैं शहर में जिन जिन जगहों पर कंजेशन हो रहा था, तो पहले मैंने ये प्लान किया कि यातायात की व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। उसमें हमने अपने अधिकारी कर्मचारियों के साथ भी वार्ता की और कुछ सुझाव लिए। आज मैं उस पूरे जगहों पर गया था जहाँ जहाँ की हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, जिसमें रुद्रपुर का मेन बाज़ार भी है। तो अभी उसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं और एक दो दिन में हम उसकी व्यवस्था कि कहाँ पार्किंग होगी, कौन सा रास्ता पैदल खोलेंगे, वो हम व्यवस्था कर लेंगे। कई ऐसे वाहन जो बिना नंबर प्लेट के या गलत तरीके से यातायात के जो नियम हैं उन आधारों पर उन वाहन के नंबर नहीं लिखे हुए हैं, मॉडिफाइड हैं, उन वाहनों को अभी सीज किया गया है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा। जिन वाहनों पर नंबर नहीं रहेगा और जो कागज़ दिखाने में असमर्थ रहते हैं उनको सीज किया गया है और उनके खिलाफ यातायात नियम के तहत कार्रवाई की गई। आज एक अभियान हमने सत्यापन का भी जिले में चलाया है और अभी उसका अभी वो अभियान चल भी रहा है। मुझे लगता है कि वो लोग जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या ऐसे लोग जो कहीं बाहर से यहाँ आए हुए हैं और कुछ समय के लिए छुपने का एक अड्डा बना रखा है इस जगह को, वो वैसे लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे और ऐसे लोग चिन्हित किए जाएंगे कि ये वो यहाँ पर ना आ सके।